गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। निवाड़ी इलाके में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 5 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। बदमाश सेंट्रो गाड़ी में सवार थे। बदमाशों की गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये गाड़ी सुबह से ही पेट्रोल पंप के आसपास देखी गई थी। जैसे ही कर्मचारी रुपए लेकर बैंक जाने लगे, रास्ते में कर्मचारियों की बाइक पर टक्कर मार दी गई और उनसे 5 लाख की नकदी लूट ली गई। आरोप है कि बदमाशों ने हवाई फायर भी किया। अजय त्यागी जी, आपके पेट्रोल पंप के दो कर्मचारियों के साथ लूट का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये हमारे यहाँ दोनों कर्मचारी कैश लेके बैंक में जा रहे थे, तो जो एक गाड़ी थी सेंट्रो हमारे यहाँ पंप पे रेकी कर रही थी, हमारे सीसीटीवी फुटेज में आई हुई है। कितना कैश लेके जा रहे थे? 5 लाख रुपए। क्या कोई फायरिंग वगैरह भी हुई है? कैश लूटने के टाइम उन्होंने फायरिंग करी है, 4-5 फायरिंग करी। तो उनके चोट वगैरह भी आई है आपके कर्मचारियों में? एक लड़के की चोट। तो किस समय की घटना है लगभग? 3:15 के आसपास। तो जब वो रैकी कर रहे थे, वो कौन सी कार से थे? सेंट्रो कार से थे, और 3 बजे से वो कार हमारे पंप पे रैकी कर रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रही है। तो वो उसके बाद लूट करने के बाद किधर की तरफ चले गए? लूट वो दो लड़कों ने बताया, आपके आसपास के लोगों ने बताया, वो मोदी तरफ गए। सर, ये निवाड़ी रोड के पेट्रोल पंप पर लूट की जो जानकारी मिल रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा लगभग 3:30 बजे की घटना से अवगत कराया गया है कि दो फिलिंग स्टेशन के दो कर्मचारी लगभग 5 लाख रुपया लेकर के बाइक पर मोदी नगर बैंक में जमा करने जा रहे थे। पीछे से अज्ञात दो सेंट्रो कार में व्यक्तियों द्वारा इसको बाइक में धक्का देकर बैग छीनने की घटना संज्ञान में आई है, और फायर भी उन्होंने किया है। किसी के कोई चोट नहीं लगी है और उसकी जाँच की जा रही है, और जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। क्या अभी तक कुछ लोगों से जैसे पूछताछ हुई है, इसमें क्या प्राथमिक जांच में क्या लग रहा है आपको? ये पेट्रोल पंप का इनको पहले इन्होंने रेकी किया है, और इनको इस क्षेत्र की जानकारी है, और बहुत जल्दी ये पकड़ में आएंगे।